की पूछताछ खत्म हो गई। तस्वीरें आपने देखा, लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले और पिछले 10 घंटे से लगातार उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की तरफ से पहले भी उनसे पूछताछ की गई और आज करीब 10 घंटे तक ये पूछताछ चली है और कई सवालों का सामना उन्हें करना पड़ा। लगभग 50 से अधिक सवाल उनसे पूछे गए। हालांकि पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि लालू प्रसाद ने सिर्फ हां और ना में तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन आगे और क्या कुछ हुआ इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। नहीं, पूछताछ के लिए कोई भागा हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह अननेसेसरी बिना मतलब का एक बुजुर्ग जो बीमार है उनके साथ जो इस तरह की बात हो रही है वो बड़ा ही मतलब निंदनीय है, अच्छा नहीं है। ये मैंने मानवता शर्मसार हो रहा है। अरे भाई, सीधे बोल रहे हैं, हम पूछताछ के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई हमारे नेता कहीं भागने वाले नहीं है। वो मुस्तैदी से जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस तरह 8-8, 10-10 घंटे तक बैठा के 10-10 घंटे जो पूछताछ हुई है और कल तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है। नहीं, हम पूछताछ के विरोधी नहीं है, लेकिन 10 घंटा एक बीमार आदमी जिसका उम्र 75 साल से ज्यादा हो, किसी भी परिस्थिति में ये मानवीय मतलब अव्यवहार है, ये मानवता शर्मसार हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में हमारे जैसा मतलब व्यक्ति इसको पसंद नहीं करता है। कल तेजस्वी यादव से भी पूछताछ यही पे होनी है। ठीक बात है, पूछताछ से हम लोग भाग नहीं रहे, पूछताछ हो, लेकिन इस तरह अमानवीय व्यवहार नहीं हो, ये तो भाई बड़ा ही मतलब दुखद है, सर्वनाश है ये। तो देखिए, ये सुदय यादव हैं, वो विधायक हैं जहानाबाद से, उनका कहना है कि 10-10 घंटे जो पूछताछ जो है वो लालू प्रसाद यादव से बीमार हैं, ये अमानवीय है। लेकिन ईडी की अपनी प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया के तहत तमाम जो सवाल हैं उनसे सवाल पूछे गए, उसके बाद तमाम सवालों पे उनके हस्ताक्षर लिए गए, उनके बाद यहाँ से रवाना हुए हैं और कल तेजस्वी यादव की पेशी है यहाँ पर आकर। वो भी जो है वो आपको यहाँ पे आ करके और अपना पेशी देंगे। यहाँ पे ललित यादव जो हैं वो हैं विधायक। सामने से है ये, क्या लगता है ये बीजेपी या फिर बदले की भावना से की गई ये कार्रवाई? अब ये तो आप लोग बताइएगा। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है सरकार के गठन के अगले दिन? सब चीज तो आप देख ही रहे हैं सर, खेला हो रहा है क्या फिर से यहाँ? देखिए, सब चीज तो आप लोगों के सामने में है, सब चीज तो। आप मानते हैं कि आपके नेता के साथ गलत हो रहा है? जो कार्रवाई है उसे तो बिहार की जनता बोल रही है, बिहार की जनता बोल रही है गलत हो रहा है। ललित जी, ये बताइए क्या आप लोगों का कहना है, क्या आप लोगों का क्या कहना, अच्छे से लगा लो, क्या कहना है आप लोगों का इस जो भी हुआ, जिस तरह से 9 घंटे तक पूछताछ चली है, 10 घंटे तक? क्या नहीं, बीमार आदमी है, इतने देर लंबा देर तक पूछताछ नहीं होना चाहिए। बहुत लंबा पूछताछ हुआ है ये, हमको लगता है कहीं ना कहीं बीमार आदमी है, इतना देर पूछताछ नहीं होगा। आप लोग बदले की भावना की बात कर रहे हैं, ये तो दिखाई पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप लोग, इतना बीमार आदमी से इतना लंबा देर तक पूछताछ हो रहा है? बीजेपी कह रही है कि ये तो स्वाभाविक है, जब गलत किया है तो सजा मिलेगी।